हेलो एवरीवन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम गणित को कैसे सीखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम ये जान पाएं कि गणित को कैसे सीखा जाता है, जिससे हम ये सक्षम हो जाएं कि हम अपने बच्चों को मदद कर सकें मैथमेटिक्स को सीखने में एज एन एजुकेटर एज वेल एज ए पेरेंट। तो बात शुरू करते हैं कि हम मैथमेटिक्स को कैसे सीखते हैं। मैथमेटिक्स को कैसे सीखते हैं से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई हमको बताता है और हम उसको ऐसे का तैसा याद कर लेते हैं, ये भी एक सीखने का तरीका है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने इसी तरह से सीख लिया है कि जैसा बताया गया वैसा ही हमने उसको मेमोराइज कर लिया है। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं और बहुत कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हर चीज़ को हम एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाते, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ खुद एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं और बहुत सारी जानकारी हम जानकारी के तौर पे दिमाग में रख लेते हैं। इसको भी हम सीखना ही कहेंगे क्योंकि ये भी हमारे दिमाग के काम से संबंधित है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जब हम मैथमेटिक्स के लिए हम उनके सीखने की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स को कैसे सीखा जाता है। अब मैथमेटिक्स जो है, इसको सीखने के लिए हमारे दिमाग के कई हिस्सों को आपस में तालमेल बिठा के काम करना पड़ता है, इसलिए ये एक जटिल क्रिया है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें दिमाग के कई सारे हिस्सों का आपस में तालमेल होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मेमोराइजेशन से सीखा जाता है। तो मेमोरी के बारे में भी हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को याद कैसे करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें हम याद करते हैं फिर हम उसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि मैथ्स जो है ये नॉलेज भी है, स्किल भी है। तो नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो हम याद कर लेते हैं और फिर हम उनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा स्किल डेवलप होता है। मैथमेटिक्स के बारे में एक और बात बोलते हैं हम कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अब्स्ट्रैक्ट या जिस चीज़ को अब्स्ट्रैक्ट के दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ये चीज़ कॉन्क्रीट है, यानी इसको आप अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, आप छू के या टेस्ट करके या उसको एक फिजिकल उसका एक आकार है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नज़र आती है। जबकि मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये देखने में नहीं है। ऐसे आपको आकार में 6 और 9 में उल्टा और सीधे का आकार नज़र आएगा, लेकिन उनका जो मतलब है वो सीधे और उल्टे में नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको, या हम कह सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम शेप्स को हम छू के देख सकते हैं, वॉल्यूम को हम थोड़ा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। तो अब ये सब चीज़ें भी मिलके मैथमेटिक्स के सीखने को और जटिल बनाती हैं कि मैथमेटिक्स एक अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, मैथमेटिक्स में मेमोरी भी चाहिए और हमें स्किल भी चाहिए, और मैथमेटिक्स में हमें कई सारी चीज़ों का, दिमाग के कई हिस्सों को इस्तेमाल में ला के हमने उस प्रॉब्लम को जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दिमाग के सभी हिस्सों का तालमेल होना ज़रूरी है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी का इसमें क्या रोल है। अब मेमोरी जो है, असल में 3 तरह की मेमोरी मानी जाती है, दैट इज़ सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी तो सेंसेस से संबंधित हो गया कि आप किसी चीज़ को सेंसरी इम्पल्सिस के थ्रू आप देख के, आप छू के या समझ के या टेस्ट करके आप किसी चीज़ को, आपको वो चीज़ याद रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हम अभी फ़िलहाल ज़्यादा बात करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि इसमें आइटम्स भी कम होते हैं और कम देर के लिए टिके रहते हैं, यानी दिमाग की ऐसी मेमोरी जिसमें कम आइटम्स रहें और कम समय के लिए रहें, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब
इसमें बहुत सारी जानकारी हो सकती है और बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं तो रोट लर्निंग से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली दोनों ही तरह की मेमोरी को मिला के डिवाइस किया जाता है। यानी हमारे पास कुछ मेमोरी होती है, दिमाग के पास हमारे पास क्षमता है जिससे वो लंबे समय तक याद की हुई चीज़ों को निकालता है और देखता है कि इसमें से क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। और फिर हम जो सवाल है उस क्वेश्चन के कुछ हिस्सों को लेके हम शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करते हैं और उन दोनों के प्रोसेस को मिला के हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सो अब तक हमको ये पता चल गया कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल गई। जब बच्चा पहले स्कूल जाना शुरू करता है तो शुरुआत उसकी सिमेंटिक मेमोरी से होती है। सिमेंटिक मेमोरी इज़ ए काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसमें बच्चा एक ही चीज़ को बार बार याद करके जस करता सीख जाता है। जैसा उसको बताया जाता है वो वैसा उसको सीख जाता है। यानी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जिस तरह से हम गिनती बच्चे को सिखाते हैं वो उसी भाषा में उस गिनती को सीख जाता है। मैथमेटिकल टेबल्स हाँ जिसको हम पहाड़े बोलते हैं, जिस भाषा में हम सीखते हैं उस भाषा में बच्चा उसको मेमोराइज कर लेता है। इसलिए बोला जाता है ऐसे कि जब भी आप बड़े होने तक भी अगर आपने कोई चीज़ को गुना करना है तो आप अपनी मातृभाषा में या आपने जिस भाषा में पहाड़ा आपने सीखा है आपको वो पहाड़े उस भाषा में याद करके आप ज़्यादा आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक रोल है सिमेंटिक मेमोरी का इन लर्निंग मैथमेटिक्स। जैसे कुछ फॉर्मूले हो गए वो हम भी हम रट रट के याद कर करके हम उसको सीख लेते हैं। अब बार बार रटने से क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा दिमाग परमानेंट मेमोरी से उन जानकारियों को निकाल लेता है। अब इसके साथ ही हम ये देखते चले कि जो डिसकैलकुलिया के बच्चे हैं उनको क्या दिक्कत आती है। इसमें डिसकैलकुलिया के बच्चे रोट लर्निंग में स्लो होते हैं। यानी जो चीज़ बाकी बच्चे हम मान लेते हैं कि 20 बार दोहराने से सीख जाते हैं ये बच्चे उसको उतने समय में नहीं कर पाते। इनका जो प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द नॉलेज फ्रॉम मेमोराइजेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है परमानेंट मेमोरी में जाने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। तो इनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, इनको वो चीज़ को ज़्यादा बार दोहराना पड़ता है जिससे वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी से इनको वो चीज़ सर्च करके निकालने में भी दिक्कत होती है। इनको याद अगर वो चीज़ है तब भी दिमाग से उसको ढूंढ के निकालने में ताकि वो आगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि जो डिसकैलकुलिया के बच्चे हैं इनमें कई बार ADHD भी होता है, ये ADHD के साथ भी लिंक्ड है। तो अगर बच्चे को ADHD भी है यानी उसका ADHD को हम बोलते हैं जिसमें बच्चा अपनी अटेंशन को ज़्यादा समय तक किसी काम पे नहीं लगा पाता, यानी हाइपर एक्टिव है बच्चा, एक काम में वो ज़्यादा समय तक उसका जो अटेंशन है बना नहीं रहता। तो अब अगर किसी बच्चे में अटेंशन को ज़्यादा समय तक लगा के रखने की जो क्षमता है वो कम है और मैथमेटिक्स में स्किल की ज़रूरत है तो वो उस काम को उतना स्किल नहीं डेवलप कर पाता। अगर क्वेश्चन जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से इजी है तो बड़ी जल्दी उसका इंटरेस्ट छूट जाता है कि इज टू इजी। अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है देन ऑल्सो ही मे लूज इंटरेस्ट वेरी क्विकली, क्योंकि वो बार बार उसको करने की कोशिश करता है, उससे अगर वो नहीं कर पाता देन ऑल्सो ही लूज द इंटरेस्ट। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो
ADHD वाले बच्चे और डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए स्पेशली मेड होने चाहिए, ताकि वो उनकी जो क्षमताएं हैं उससे थोड़ा अधिक हो, क्योंकि अगर बहुत इजी हुए तो भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हुए देन ऑल्सो ही विल लूज द इंटरेस्ट। अब इसके बाद का जो बच्चा है वो हम देखते हैं कि वो मेमोराइजेशन के बाद बच्चा प्रोसीजर्स पे चला जाता है, यानी स्मॉल स्टेप्स या कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर देता है, जैसे नंबर से नंबर लाइन हो गया, लाइन से एंगल्स हो गए, शेप्स हो गए, तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे के जो अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स है इट इंक्रीजेस। सिमिलरली नंबर्स में, जैसे पहले हम सिंपल नंबर्स सिखाते हैं, होल नंबर सिखाते हैं, फिर फ्रैक्शन सिखाते हैं, डेसिमल सिखाते हैं, फिर पहले बच्चा सिंपल नंबर्स की होल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखता है, फिर डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखता है, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो प्रोसेस तो सेम रहता है लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर आके भी बच्चे को, डिसकैल्कुलिया के बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आता है। इसके बाद का जो अगला स्टेप है जिसमें बच्चा प्रोसीजर्स या एल्गोरिदम जिसको हम बोलते हैं वो सीखना शुरू करता है। एल्गोरिदम या प्रोसीजर्स में क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो एक सिंगल स्टेप में सॉल्व नहीं की जा सकती है, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम को कई हिस्सों में तोड़ के छोटे छोटे स्टेप्स में इस तरह से तोड़ा जाता है कि अल्टीमेटली उनको जब हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट ए रिजल्ट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हैं जिसको लाभ हानि के सवाल बोला जाता है, या क्षेत्रफल के सवाल हैं जिसको मेंसुरेशन के सम्स बोलते हैं हम, इन सम्स में क्या होता है। अब ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में देयर इज नीड टू स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप, यानी समस्या को छोटे स्टेप्स में तोड़ने की ज़रूरत है। जैसे लाभ हानि के सवाल में हम ले लेते हैं, तो इसमें पहले बच्चों को ये जानना पड़ता है कि इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, इनमें से कौन बड़ा है, फिर किसके बड़े होने से लाभ और किसके बड़े होने से हानि होती है। बच्चे को ये जानकारी का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमें लाभ और हानि का जो कुल मूल्य है वो पता लग जाएगा। फिर अगर हमें उनका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो बच्चे को गुना का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीज़न आना चाहिए, 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर सिंबल का यूज़ करें तो परसेंटेज का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को निशान को समझ होनी चाहिए कि ये परसेंटेज का सिंबल है, इसका क्या मतलब होता है। फिर जब हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो उसका जो उत्तर निकल के आता है या सोल्यूशन निकल के आता है उसके साथ उसको यूनिट लिखना होता है कि ये रुपयों में ये हमारा उत्तर आया है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हम मेंटली करते हैं और एक खाका तैयार कर लेते हैं कि इस तरह के स्टेप से निकल के ये उसका हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन डिसकैल्कुलिया के बच्चे ये स्टेप्स नहीं बना पाते या वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, या इस स्टेप को करने से क्या होगा, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, उनको सिंबल पहचानने में दिक्कत हो सकती है, फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से उनका जो प्रोसीजरल मेमोरी है क्योंकि वो वीक हो जाता होता है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। जब हम वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग मेमोरी चाहिए। वर्किंग मेमोरी मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हमें किस किस जानकारी की ज़रूरत है। जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जांपल को ले लें, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हो सकता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमें वो नंबर्स उठाने पड़ेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों को मिला के हम उस प्रॉब्लम को वर्कआउट करते हैं, हमारा दिमाग उस चीज़ को वर्कआउट करता है। और ये जो वर्किंग की जो मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी। तो मोटे तौर पे अगर हम ये जाने और हम इसको समझ लें इस बात को कि जो डिस्कैल्कुलिया के बच्चे हैं उनकी समस्या किसी भी लेवल पे हो सकती है, उनको मेमोराइजेशन का वीकनेस हो सकता है, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर करने में मुश्किल हो सकती है, उनको वर्किंग मेमोरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमने देखा कि कुछ सिंबल्स कुछ फॉर्मूला याद करने होते हैं, आगे जाके मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज में लिखी होती है, हो सकता है उसको लैंग्वेज में भी दिक्कत हो, है क्योंकि हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो हमारा जो डिस्कैल्कुलिया है इट मे बी लिंक्ड विद डिसलेक्सिया ऑल्सो। कई बार बच्चों में दो तरह की अक्षमताएं भी हो सकती हैं, तो अगर उसको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रहा और उसको डिस्कैल्कुलिया भी है, तो उससे भी उसको सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि उसको भाषा नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, इसलिए भी उसको मैथमेटिक्स में वीकनेस डेवलप हो सकता है। इसके सिवाय मैं एक और मेमोरी के बारे में बात करूँगी, दैट इज़ विजुअल एंड स्पेशल मेमोरी। विजुअल और स्पेशल मेमोरी जो है ये हमें चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाने के बारे में बताती है। इसमें हम कॉमनली जैसे छोटे बच्चों को हम ब्लॉक से सिखाते हैं, या हम बच्चों को मॉडल से सिखाते हैं जिससे बच्चे देख के उस चीज़ को सीख लेते हैं। जियो बोर्ड जैसे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में सीखते हैं, ज्योमेट्रिकल बोर्ड में हम उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम उनको सिखाते हैं, या ग्राफ्स हो गए, या वॉल्यूम के हो गए, हम आकार को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा। लेकिन जो हमारे डिस्कैल्कुलिया के बच्चे होते हैं इनकी विजुअल और स्पेशल मेमोरी भी वीक हो सकती है, यानी ये देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अगर दो गिलास हम उसको दिखाएं तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इनमें से कौन सा गिलास बड़ा है और कौन सा गिलास छोटा है। इसकी वजह से भी उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत हो सकती है। तो आज हमने ये जाना कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमारे दिमाग में कई सारे जो हिस्से हैं वो काम करते हैं, और कई तरह की मेमोरी हमारी उसमें वर्क करती है। और इसके साथ साथ अगर बच्चों को ADHD है या बच्चों को कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उससे भी बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने में दिक्कत हो सकती है। और हमने ये भी सीखा कि मैथमेटिक्स में बच्चे को कई स्टेप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फॉर्मूले वगैरह लर्न करने में दिक्कत हो सकती है, उसको सिंबल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सिंबल्स याद ना रहे, वो समझ ना पाए कि सिंबल का क्या मतलब है, या निमोनिक्स होते हैं जिसको हम जैसे बॉड मास बोलते हैं, जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये आपने ये स्टेप्स इस सीक्वेंस में करने हैं, उनको वो स्टेप्स याद करने में दिक्कत हो सकती है। दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी हुई चीज़ों को रिट्राइव करने के लिए, यानी उसको ढूंढ के निकालने के लिए और उसको अपनी प्रॉब्लम में उन्हें कैसे यूज़ करना है उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई तरह की प्रॉब्लम है विच में बी रिलेटेड टू डिस्कैल्कुलिया। अब इससे हमें को क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है एज ए पेरेंट एजुकेटर हम ये इससे सीख सकते हैं कि हर बच्चे का डिस्कैल्कुलिया मे बी डिफरेंट। सो देयर इज़ नो सिंगल शॉर्ट फार्मूला जो हम कहें कि सब बच्चों के ऊपर ये फार्मूला सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम डिस्कैल्कुलिया के बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे
कि जहाँ पर गैप है उसकी लर्निंग में गैप कहाँ पर है, जहाँ पर गैप है उस गैप को फिल किए बिना हम आगे नहीं चल सकते। यानी ये नहीं कह सकते कि अब बच्चा अब सिक्स सेवन्थ में आ गया है, अगर इसको टेबल नहीं आते तो छोड़ दो आगे चलो, क्योंकि उसको टेबल आना चाहिए। जब तक उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी आप उसको आगे नहीं चला पाओ। सो एज ए टीचर हमको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में बहुत सारा जो लर्निंग है ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, तो इसमें जहाँ पर भी गैप है हमको वो गैप एनालाइज करना पड़ेगा और उस गैप को फिल किए बिना हम आगे नहीं चल सकते। और हमें ये भी पता चल गया कि इन बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये ADHD का भी कारण है इनमें, तो हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं या जो हमारी असाइनमेंट्स हैं इन बच्चों को, दे शुड बी टिपिकली मेड फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, यानी उस बच्चे के लिए ख़ास तौर पे तैयार की गई होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई एक जनरल एक फॉर्मूला लेके नहीं चल सकते कि ये डिस्कैल्कुलिया है इन बच्चों का, ये 20 बच्चों को डिस्कैल्कुलिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप कहें कि अब इन 20 बच्चों को मैं एक ही जैसी असाइनमेंट से ठीक कर लूँगी या एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। यानी मैथमेटिक्स के इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंडिविजुअल अटेंशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा हम अगर सोचेंगे कि हम इस तरह से इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एवरी चाइल्ड कैन लर्न मैथमेटिक्स, अगर हम एज ए पेरेंट और एज एन एजुकेटर हम उसमें अपना एफर्ट लगाएं। ओके, सो आई होप दैट टुडे वॉज ए लर्निंग एक्टिविटी फॉर यू। आपने इन बातों से कुछ आपने ज़रूर अपने लिए सीखा होगा, एंड दैट इज़ माई सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।